गुड इवनिंग एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में सर्कल्स चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था और मैंने ये बोला था कि इसका होमवर्क कर लेना जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, तो आई होप कि तुमने किया होगा। तो अपन इसके डाउट्स अभी डिस्कस करेंगे। आज अपन न्यू चैप्टर पैराबोला शुरू नहीं करेंगे, ओनली सर्कल्स के डाउट लेंगे, ठीक है? सर्कल्स के, अगर सर्कल्स के हो जाते हैं कंप्लीट तो जो भी तुम्हारे अदर डाउट्स हैं मैथ्स में वो अपन ले लेंगे। हाँ एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब जो हमारा कल TWT है तो फिर मैं ज्यादा कर नहीं पाया। जितना भी तुमने सॉल्व किया है वो अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं, और अगर तुमने जैसे पहले के कोई और डाउट्स हैं तो वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे, टाइम बचेगा तो। जिन लोगों ने भी सॉल्व किया है एक बार ऑर्डर से अपन चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन चैप्टर 1 के डाउट्स ले रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन नंबर पूछना है बताओ, ओनली इन चैप्टर 1। सर इन चैप्टर 1 ऑलरेडी डिस्कस। हाँ हमने डिस्कस कर लिया था, बट अगर किसी ने उस टाइम सॉल्व नहीं किया है और अभी सॉल्व किया है उसको कोई डाउट है तो बता दो। ओके, इन चैप्टर 2 जिनको भी डाउट है हैंड टू हैंड बोलते जाना। इन चैप्टर 3 18 इन चैप्टर 3 में और कोई डाउट? इन चैप्टर 3 में क्वेश्चन नंबर 18 में एंड 15 सर। क्वेश्चन नंबर 18, द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 टचिंग द सर्कल्स दिस आर गिवन सर्कल्स आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स। व्हेन एक्स इज पॉजिटिव देन इक्वेशन इज दिस, व्हेन एक्स इज नेगेटिव देन इक्वेशन इज दिस। तो क्वेश्चन का सिचुएशन ऐसा है कि टू सर्कल्स हैं जिनका सेंटर प्लस माइनस 1,0 पे है और रेडियस 1 यूनिट है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एंड वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दो सर्कल्स व्हिच आर टचिंग। सर नॉट दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट question, if the distance from the origin. Oh, okay, okay, this is 14 one. Okay, question number 15 is, if the distance from origin to the centers of three circles, center is, agar hum ci ki form mein likh le, to center is minus lambda I comma zero and the radius ka use hai kya kahin? Nahi hai, hato. तो सेंटर्स जो हैं वो माइनस लैम्डा 1,0 माइनस लैम्डा 2,0 एंड सो ऑन है। क्वेश्चन ने बोला है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी कि ओ सी आई डिस्टेंस इज रूट ऑफ, डायरेक्टली लिख देते हैं, मॉड ऑफ लैम्डा आई। फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन ने ये बोला है अपन को। नेक्स्ट बोला है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू देम फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आर इन एनी पॉइंट ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। हम यहाँ पे एनी पॉइंट फिक्स पॉइंट भी ले सकते हैं और वेरिएबल पॉइंट भी ले सकते हैं। जनरल मेथड में अगर अपन वेरिएबल पॉइंट लेते हैं तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट हो जाएगा, दैट इज सी कॉस थीटा कॉमा सी साइन थीटा, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टेंजेंट ऑन गिवन सर्कल, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट ओवर एस वन। गिवन सर्कल में एक्स के प्लेस पे सी कॉस थीटा और वाई के प्लेस पे सी साइन थीटा पुट किया तो दिस बिकम्स सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस टू लैम्डा आई सी कॉस थीटा माइनस सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर वाला टर्म तो कैंसिल हो गया तो दिस इज टू लैम्डा आई सी कॉस थीटा, ठीक है? ये तो मैथमेटिकल बात हो गई। अब हम प्रॉपरली जाएं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड L1 L2 L3। तो ये तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने बता रखी है,
इसका मीनिंग हो गया कि लैम्डा टू स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा वन लैम्डा थ्री मैथमेटिकली। और क्वेश्चन ने पूछा है कि जो एल वन एल टू एल थ्री है ये क्या होगा, तो एल वन इज इक्वल टू टू लैम्डा वन सी कॉस थीटा का रूट, एल टू इज इक्वल टू टू लैम्डा टू सी कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, सेम लैम्डा थ्री। और समझ आ गया होगा कि दीज नंबर्स सी कॉस थीटा, दीज नंबर्स विल बी इन जीपी एज वेल, बिकॉज गिवन नंबर्स अगर जीपी में है तो इन नंबर्स को किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, टू सी कॉस थीटा एक कांस्टेंट नंबर है, तो रिजल्टिंग नंबर्स विल बी इन जीपी। इन नंबर्स की हम कोई भी पावर रेस कर दें, तो यहाँ पे हमने पावर हाफ रेस की है, देन ऑल्सो रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी, तो दीज नंबर्स विल बी इन जीपी। क्लियर है क्या सॉल्यूशन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस व्हिच टच ईच अदर एक्सटर्नली आर। क्वेश्चन है अपन को दो सर्कल्स दे रखे हैं और ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कोई पॉइंट पे टच कर रहे हैं और हमें उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो हम मेथड वन सॉल्व गिवन सर्कल्स, यानी कि इनको सॉल्व करके हम एक्स पर वाई फाइंड कर लें, बट सिंस दोनों ही सेकंड डिग्री के कर्व हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होगी, बट मेथड अपन ये अप्लाई कर सकते हैं। मेथड टू जो थोड़ा बेटर है कि एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो करने से हमें जो कॉमन टेंजेंट है उसका इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब सिचुएशन ऐसे है कि अब दोनों में से एक सर्कल को हटा दो, तो मान लो वो दोनों सर्कल्स इस वाले पॉइंट पे टच कर रहे थे, तो जो कॉमन टेंजेंट है वो ये वाली लाइन आ जाएगी। अब तुम्हें, और हमने ये वाला जो सर्कल है ये हटा दिया, अब तुम्हें ये वाले सर्कल की इक्वेशन पता है, इस लाइन की भी इक्वेशन पता है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए। मेथड क्या होगा, एक सर्कल पता है और उसकी टेंजेंट पता है और उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना है, कोई भी बताओ मेथड क्या होगा। पॉइंट फाइंड, ये तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गई। सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट विल बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन द लाइन। मैथमेटिकली सॉल्व कर देना, मैंने मैथ्स वाला पार्ट सॉल्व नहीं किया इसका। सर आई हैड डाउट इन चैप्टर टू क्वेश्चन नंबर टू एंड क्वेश्चन नंबर एट। इन चैप्टर टू में क्वेश्चन नंबर टू इज राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एट पॉइंट 2, 1। क्वेश्चन ने वर्ड यूज किया है एट, इसका मतलब कि हम पॉइंट फॉर्म में जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो अप्लाई कर लेंगे, एंड इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म इज टी इक्वल्स टू जीरो, तो टी इक्वल्स टू जीरो से हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट में द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स दैट आर इंटीरियर टू द सर्कल। यहां पे हम जैसे हम अगर एक्स वाई प्लेन में इस सर्कल को ड्रॉ करें तो सेंटर इज 0, 0। ठीक है, दिस इज 4, 0, दिस इज 0, 4। दिस डायग्राम इज कम्प्लीटली सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी कि हम ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पॉइंट्स को काउंट कर लें और उसी की हेल्प से हम चारों क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को लिख लेंगे। अगर हम इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ऐसे कुछ हो गया। अगर हम देखो, एक तो हम कभी भी जो डायग्राम बनाते हैं वो कभी प्रॉपर डायग्राम नहीं होता, हम जब भी डायग्राम बनाते हैं तो एक रफ स्केच बनाते हैं जस्ट आइडिया लेने के लिए। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं जो मैं ब्लैक में मार्क कर रहा हूं, ये वाले पॉइंट्स तो डेफिनेटली इनसाइड ऑफ सर्कल होंगे। ठीक है, इसमें कोई अपन को डाउट नहीं लग रहा, लेकिन सिंस डायग्राम प्रॉपर नहीं है तो ये जो मैंने पॉइंट्स अब मार्क किए हैं ग्रीन कलर में, These may or may not be inside of the circle. तो अगर तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है तो उसको हम चेक कर लेंगे कि पावर ऑफ पॉइंट जो है वो क्या आ रहा है। तो अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है
3, 2 और सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16. तो इस वाले पॉइंट का पावर ऑफ पॉइंट 9 + 4 - 16 यानी कि नेगेटिव आ रहा है. तो ये तो इनसाइड ही है, ब्लैक कलर के मार्क कर दिया इनसाइड है इस वजह से. इफ दिस पॉइंट इज 3, 2 दिस पॉइंट इज 2, 3 तो ये भी सेम मेथड से इनसाइड आ जाएगा. ये वाला जो पॉइंट है जो अभी डायग्राम में इनसाइड लग रहा है उसके कोऑर्डिनेट है 3, 3 लेकिन जब इसका पावर फाइंड करोगे तो 9 + 9 - 16 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है. तो ये आउटसाइड आ रहा है. तो एक्चुअली हमारा डायग्राम थोड़ा गलत है. और प्रॉपर डायग्राम में क्या हो रहा होगा कि ये पॉइंट ऐसे कहीं बाहर लाई कर रहा होगा. बट चलो अपन ने देख लिया. तो अभी जो ब्लैक में पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो कितने पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो 4 × 8 पॉइंट्स चारों क्वाड्रेंट में हो जाएंगे. अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बात करें तो 3 पॉइंट्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैं. तो 4 × 3 पॉइंट्स पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई पे हो जाएंगे. और एक पॉइंट यहाँ सेंटर है. तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स ये काउंट आ जाएगा अपना जो भी आ रहा है. कितना आ रहा है? 32 + 12 = 44 + 1 = 45 अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है. ओके. क्वेश्चन 14 में भी डाउट है. इन चैप्टर 2 में ही ना? यस सर. अ सर्कल हूज सेंटर इज -11 टचेस द स्ट्रेट लाइन दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ अरे अभी तो डिस्कस किया लास्ट वाले पेज पे. ये तो ऐसे तो सिचुएशन बन गई थी कि अभी क्वेश्चन है सर्कल तो नहीं बताया लेकिन सर्कल का सेंटर बता दिया और सर्कल की टेंजेंट बता दी. फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, ये वाला पॉइंट अप्लाई कर लेंगे. गॉट इट? यस सर. इन चैप्टर 3 तक एनी अदर डाउट? इन चैप्टर 4 सर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7 सर 10 ऑल्सो सर आज ओनली डाउट्स होंगे ना. वन मिनट. इन चैप्टर 4 में 2, 3, 4, 7, 10 एनी अदर डाउट? हाँ अभी क्या लास्ट में किसी ने कुछ बोला था? सर आज खाली डाउट्स ही. हाँ टुडे ओनली डाउट्स हैं. ओके. और नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे पैराबोला. आज हम ओनली सर्कल्स का डिस्कशन करेंगे. इन चैप्टर सारा मतलब एक्सरसाइजेस खत्म नहीं हो पाया सर, तो फिर वापस का ही होगा डिस्कशन. हाँ देखो जैसे अपना जो मतलब तुम्हें भी हमेशा यही फॉलो करना चाहिए कि जैसे तुम अभी सर्कल का डिस्कशन है बट अगर टाइम का कोई भी रीजन है और तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो फर्स्ट थिंग कि जो हमारा पेंडिंग होमवर्क रह जाता है उसके चक्कर में हमें करंट होमवर्क नहीं छोड़ना है. तो जो भी अगर तुम्हें बाद में कोई होमवर्क मिलता है तो पहले उसे कवर करो और जब टाइम बच जाता है उसको कवर करने के बाद तो पेंडिंग होमवर्क कवर करो. और सेम चीज अपन डिस्कशन के टाइम भी रखेंगे कि जो करंट होमवर्क है उसका डिस्कशन पहले कर लेंगे और टाइम बचेगा उसमें अपन रिमेनिंग जो पहले का पोर्शन पेंडिंग है वो कवर कर लेंगे. बाई चांस अपना डिस्कशन में कभी टाइम नहीं बचता है तो अपन एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल कर सकते हैं और अगर मान लो थोड़े बहुत कम डाउट्स हैं तो अपन वो ग्रुप पे भी डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन अगर तुमने कोई होमवर्क किया है और डाउट्स हैं तो वो हमें क्लियर करने ही करने हैं. ठीक है, अभी अपन इन चैप्टर 4 में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ दिस डाउट क्या है सर? इसमें डायरेक्ट s1 - s2 फार्मूला लगा देंगे. नहीं, हमने बोला था कि s1 - s2 फार्मूला अप्लाई करने से पहले कोफिशिएंट ऑफ x2 एंड y2 मस्ट बी 1. तो फर्स्ट सर्कल तो ठीक है, सेकंड सर्कल का इक्वेशन अपन x2 + y2 + y/3 - 1/3 = 0 3 से डिवाइड करेंगे एंड उसके बाद x2 s1 - s2 = 0 अप्लाई करेंगे. ठीक है. यस सर, गॉट इट सर. क्वेश्चन नंबर 3 द रेडिकल सेंटर ऑफ द थ्री सर्कल्स. बोलो डाउट सर. मुझे इसमें चार आंसर आ रहा है सर, ±c/2 ±d/2 बट इनमें सिर्फ पॉजिटिव आंसर ही कंसीडर किया है सर. चार आंसर आ क्यों रहे? यस सॉल्व कैसे किया सर? मतलब इन तीनों का ये लेके सर रेडिकल एक्सिस निकाल के फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट. तो
नहीं चार आंसर आने नहीं चाहिए अगर हम मतलब मेथड तो तुमने करेक्ट बोला है, अगर हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो इक्वेशन बिकम्स 2cx plus c square. अच्छा c square आ रहा है तो हो सकता है नहीं, पर इन दिस केस इन दोनों का डिफरेंस देखो ये आ रहा है 2cx plus c square नहीं 2cx minus c square. ठीक है तो c since non zero है क्यों because first and second circles are different so this becomes 2x minus c equal to 0. तो x का आंसर तो डायरेक्टली पॉजिटिव का ही c by 2 आ रहा है. ऐसे ही जो थर्ड इक्वेशन है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस लेंगे तो दिस विल बी टू बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो. अगेन बी नॉन जीरो है तो वाई का वैल्यू बी बाई टू आ गया. तो पॉइंट इज इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट इज सी बाई टू कॉमा बी बाई टू. ठीक है यस सर. Question number 4, the equation of circle which passes through the point 2a comma 0 whose radical axis is this with respect to the circle this will be. Question number 4 में हमें जैसे ये एक given circle है, ये radical axis है और ये required circle है क्योंकि radical axis will be common tangent, sorry common chord, और ये required circle जो है वो question के according टू ए कॉमा जीरो से पास कर रहा है. तो देखना इस डायग्राम से मेथड समझ आता है क्या. यस और नो. यस दिस सर्कल इज लेट से एस इक्वल टू जीरो, दिस लाइन इज एल इक्वल टू जीरो, तो रिक्वायर्ड सर्कल विल बी एस प्लस के एल इक्वल टू जीरो और k का वैल्यू फाइंड करने के लिए दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2a कॉमा 0 तो वहां से k आ जाएगा. गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कटिंग ऑर्थोगोनली थ्री सर्कल्स. ये तो क्वेश्चन अपने क्लास में क्या हुआ है, डेटा अलग होगा लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही है और हमने आई थिंक सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ही ये किया है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है. तो बताओ डाउट क्या है इसमें. क्वेश्चन नंबर 7 सर मतलब सॉल्व नहीं मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है, मतलब कांसेप्ट पता है बट आंसर मैच नहीं कर रहा. राइट यस सर. किसी और ने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है क्या. तो अपन देख लेंगे, मैं चेक कैलकुलेशन चेक करके बता दूंगा या फिर तुम मुझे ऐसा करो अपना सॉल्यूशन जो अगर तुम्हारे पास है तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं उसमें मिस्टेक चेक कर दूंगा. ओके सर. Question number 10. The locus of centers of the circles passing through intersection point of circles this and this. The locus of centers of the circle passing through intersection of the circles this and this. कोई two circles तो given circles हैं. ठीक है. इन दोनों circle के intersection point से एक variable circle pass कर रहा है. तो इस variable circle की equation हम S1 plus K S2 equal to 0 करके लिख सकते हैं. ठीक है. इस सर्कल का सेंटर मैं अभी K की जगह ऐसा करता हूं क्योंकि अपन H, K में K यूज करते हैं उसको अवॉइड करने के लिए, K के प्लेस पे मैं लैम्डा यूज कर लेता हूं. ठीक है. तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और हमें इसी का ही लोकस फाइंड करना है. तो h इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएगा, k इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएगा, इन दोनों से एलिमिनेट लैम्डा तो h और k में रिलेशन आ जाएगा. देखना समझ आएगा मेथड. अगर हाउ टू फाइंड लैम्डा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वेरिएबल सर्कल जो ब्लैक कलर में है This is S1 plus lambda S2 equal to 0. ये step clear है? Yes sir. Family of इसका जब हम center find करेंगे तो that center will be in terms of lambda. Got it? Yes sir. और हमें इसी center का locus find करना है. तो हमने बोला कि इसका जो h x coordinate है h that is in terms of lambda, y coordinate is also in terms of lambda. तो इन दोनों equation से हम lambda जैसे first से lambda की value find कर ली और सेकंड में पुट कर दी तो लैम्डा एलिमिनेट हो जाएगा तो एच के में रिलेशन आ जाएगा. हमारा ऑफलाइन में सर्कल के बाद
से चालू होगा क्या? हाँ, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो अपन ऑफलाइन में, मतलब जब एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है कि कौन से बैच को कैसे बुलाया है, क्या है, बट जो भी तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पैराबोला शुरू होगा। मतलब ये तो है, बट अब मुझे ये नहीं आइडिया कि किस तरह से इस चीज को मैनेज किया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा भी और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। बट ये ऑब्वियसली बात है कि सारे लोग अब एक बैच में तो एक साथ तो नहीं पढ़ सकते अलग अलग सेंटर्स के। सर एक और डाउट है सर, 9th 10th उन सब का फाउंडेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं क्या ऑफलाइन? मुझे मतलब मोस्टली कर रहे होंगे, लेकिन मैं अभी इसमें भी श्योर नहीं हूं, तो मैं एक बार और क्या कर नहीं कर रहे तो मतलब वो वीसी से कर सकते हैं क्योंकि उनका इवनिंग बैच तो मतलब ऑनलाइन है, तो हमारा आ सकता है, हमारी इवनिंग है ना। नहीं तो 9th और 10th का तुम्हारे पास से क्या रिलेशन होगा? नहीं सर 9th और 10th वो लोग का इवनिंग में बैचेस रहते हैं, मतलब इवनिंग में क्लास रहता है उनका और हमारा भी इवनिंग में, अगर उनका ऑनलाइन है फुल्ली तो फिर हमारे लिए वो वीसी लेक्चर्स खाली रहेंगे, तो फिर उधर वीसी रूम में हम लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं पूरे वीक में बैच में, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा ओके, अब पूछता हूँ कि अगर 9 10 का किस तरह से सिस्टम है इन चैप्टर 1 टू 4 में, एनी अदर डाउट एनीवन? ओके नाउ एक्सरसाइज 1 ए क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 एक्सरसाइज 1 ए क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 20 टू 40 सर क्वेश्चन 6 एंड 20 है, 6 20 और 38 बोला था क्या? यस सर 38। एनी अदर डाउट अप टू 40 सर 28 29 34। Question number 6. The radius of a circle with center A, B passing through center of the circle. कितना सिंपल है? एक सर्कल जिसका तुम्हें सेंटर बता रखा है, that is A, B. This circle is passing through center of second circle. और second circle का जो center है वो equation के according G, 0 आ रहा है. तो radius will be distance between these two points. ठीक है, ये सेंटर C1 है जो गिवन सर्कल का है और ये दूसरे सर्कल का सेंटर है, तो रेडियस विल बी रूट ओवर a माइनस g होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 20, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हूज रेडियस इज 4 व्हिच टचेस x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ माइनस 3 फ्रॉम ओरिजिन। लेट द सर्कल बी, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में क्या हुआ है, लेट द सर्कल बी x square, y square, 2gx, 2f by c. मैं ये always बोलता हूँ कि जब भी हमसे कोई question नहीं हो, doubt पूछने में कोई hesitation नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए कि हमसे एक question क्यों नहीं हुआ था। तो in this case, question ने बोला है first information कि this circle has radius equal to 4. तो इसका mathematically meaning root over g square plus f square minus c is equal to 4. Squaring कर ली तो first equation. Second information कि this circle touching x-axis. That means g square equal to c. And third information, कि this circle is touching x-axis at minus 4, 0. That means this circle is passing through point minus 4, 0. That means 16 minus 8 g plus c equal to 0. Three equation, three variable. GFC के लिए solve कर लेंगे तो required circle की equation आ जाएगी. ठीक है? Question number 28. Straight line this cuts the circle this at. Question ने 28 में जो information दी है वो directly x minus 2 bracket में y plus 3 bracket में, तो ऐसा कुछ बोला हुआ है कि x plus y equal to 0 and x square plus y square equal to 11. इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करके हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा, जैसे x equal to minus 5 पुट किया तो दिस बिकम्स 2y square या 2x square equal to 11, तो यहां से y का वैल्यू कैपिटल y का वैल्यू
11 बाय 2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस साइन के साथ आ गया। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है वो तो 11 बाय 2 का रूट कॉमा माइनस 11 बाय 2 का रूट और दूसरा माइनस रूट ओवर 11 बाय 2 एंड रूट ओवर 11 बाय 2, ठीक है। बट सिंस ये शिफ्टेड वाला केस है तो एक्चुअल में एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू जिसको हमने ये बोला है, तो एक्स का आंसर तो 2 प्लस रूट ओवर 11 बाय 2 आएगा। सिमिलरली कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 3, नहीं वाई माइनस 3, जिसका आंसर हमने ये बोला था, और स्मॉल वाई का आंसर अब 3 माइनस 11 बाय 2 आएगा। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी दिस, यहाँ पे ये भी क्लियर होना चाहिए कि हमने यहाँ प्लस साइन और यहाँ माइनस साइन ऐसा क्यों यूज किया, बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन ये थी तो एक्स इक्वल टू माइनस वाई होगा, तो एक्स एंड वाई जो है वो अपोजिट साइन के होंगे, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो इस तरह से अच्छा क्वेश्चन है हमसे, ओके ओके ओके, ये नहीं पूछा कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सिर्फ इतना पूछा था कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अरे फिर तो ये सारा कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चलो मैंने ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने का मेथड हो गया, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ने ओनली इतना पूछा है कि ये सर्कल इस लाइन को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि लाइन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल पूछी है। और अब इस डायग्राम से देखो मेथड क्लिक कर जाना चाहिए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लें। If P is less than R, then chord. Chord का मतलब two points. If P is equal to R, then tangent. Tangent का मतलब one point. Only one point of contact आएगा. And if P is greater than R, then no point, क्योंकि line completely circle के बाहर से pass कर जाएगी। तो अगर question है सिर्फ number of points पूछे हैं तो अपन ऐसे solve कर सकते हैं, लेकिन अगर intersection point find करने को बोला है तो ये method था। Question number 29. If this line touches the circle, then यही वाला point, यही वाला method. Since line touches the circle, तो हम P equal to R condition of tangency apply कर लेंगे। कैसे करते हैं? ये जो question है, circle बोला है, x square plus y square equal to 10x. तो इस circle का मतलब इस circle को अपन properly लिखेंगे तो x square plus y square minus 10x equal to 0 है, तो इस सर्कल का सेंटर is 5,0 and radius is 5 और जो लाइन गिवन है that line is 3x plus 4y equal to m, तो p equal to r का मतलब 5,0 से इस लाइन पे लेंथ ऑफ perpendicular। equal to radius M के टू आंसर्स आ जाएंगे, जो भी मैच कर रहा है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 एंड 38। फोर सर्कल दिस एंड लाइन दिस, सेम ही चेक करना है कि P और R को कंपेयर कर लो। सर्कल का सेंटर इज 1, -2, रेडियस रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एंड लाइन इज 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो पी दैट इज डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, अब हो जाएगा 2 - 2 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 4 प्लस 1। ये फॉर्मूला समझ आता है ना, since 1 by root 5 is less than radius, तो ये chord बन जाएगी। 38, if the circle this cut off a chord of length 2b from the line this, question number 38 का meaning क्या है कि एक circle given है, fixed circle, एक line given है and ये जो AB है length of chord, this length is equal to 2b unit
एज पर क्वेश्चन. सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0.0. रेडियस ऑफ द सर्कल इज स्मॉल a. एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो हम अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें तो 0.0 की सेंटर की इस लाइन से डिस्टेंस विल बी ये हो जाएगी. और इस डायग्राम में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सिंस दिस डिस्टेंस इज स्मॉल b नाउ तो a स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर एंड p स्क्वायर का वैल्यू ये है. तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा a b और c में रिलेशन. क्वेश्चन नंबर अप टू 50. अप टू 65. 54. Question number 54. If the length of the tangents drawn from point 1, 2 to the circle be in the ratio 4:3. जब भी हम length of tangent की बात करते हैं तो length of tangent is root over s1 and S1 पावर ऑफ पॉइंट फाइंड करने के लिए भी इट इज कंपलसरी कि हम x स्क्वायर एंड y स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाएं. तो यहां पे जो सेकंड वाला सर्कल है उसमें कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तब उस सर्कल को यूज करेंगे. तो क्वेश्चन ने बोला कि 1, 2 से फर्स्ट सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी 1 + 4 + 1 + 2 - 4 एंड सेकंड सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट सेकंड सर्कल जो है उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तो इक्वेशन बिकम्स x² + y² - x - y - x/3 - y/3 और +k/3. 1, 2 से इस सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी 1 + 4 - 1/3 - 2/3 - +k/3. तो इन दोनों का रेशियो क्वेश्चन में 4/3 बोला है. इस इक्वेशन को सॉल्व करके k का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायरिंग करके. द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू 59 बोला ना क्वेश्चन. इसमें डाउट क्या हो सकता है. अच्छा ओके समझ गया डाउट. इसमें तुमने t इक्वल टू 0 अप्लाई किया होगा बट आंसर नहीं मैच कर रहा. इस क्वेश्चन में हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मीनिंग क्या है. मीनिंग है ये कि इस पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड. तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम उस पॉइंट जिस पॉइंट की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं उसकी पोजीशन चेक करें. इफ दिस पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड ऑफ द सर्कल देन ओनली वी कैन ड्रॉ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी और तभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी एग्जिस्ट करेगी. अगर पॉइंट पी सर्कल के इनसाइड लाई कर गया तब तो टेंजेंट्स ही ड्रॉ नहीं कर सकते. टेंजेंट्स नहीं है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट नहीं है. तो इन दिस केस जो गिवन पॉइंट बनेगा सर, हाँ पोलर बनेगा बिकॉज़ गिवन पॉइंट इज लाइंग इनसाइड ऑफ द सर्कल. अप टू क्वेश्चन नंबर 77. अप टू क्वेश्चन नंबर 86 अप टू लास्ट एक्सरसाइज बने. एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1-10. सो 3, 5, 6, 10. क्वेश्चन नंबर 3. इफ द लाइन दिस एंड दिस कट ऑर्डिनेट एक्सिस कंसाइक्लिक पॉइंट. फर्स्ट लाइन इज a1x + b1y + c1 = 0. इंटरसेक्शन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस y को 0 पुट किया तो x का वैल्यू -c1/a1 और b वाला पॉइंट 0, -c1/b1. ठीक है. सेकंड लाइन ऐसे ही है a2x + b2y + c2. c पॉइंट इज -c2/a2, 0
and d point is 0 comma d point is 0 comma minus c2 upon b2. क्वेश्चन बोल रहा है कि दीज फोर पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक पॉइंट्स. तो ऐसे कोई डायग्राम है, एक यहाँ पे पॉइंट 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 है. दीज पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक, तो इसका मतलब कि ऐसे कोई सर्कल, ऐसे कुछ हो रहा होगा डायग्राम. ठीक है, अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखें, एक मतलब प्रॉपर्टी कौन सी कि एक सर्कल है और एक पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है, और हम इस पॉइंट से सर्कल पे अगर ये तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये कोई भी एक लाइन है जो सर्कल को ए एंड बी पे कट कर रही है, और ये कोई दूसरी लाइन है जो सर्कल को सी और डी पे कट कर रही है, तो प्रॉपर्टी इज कि पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी. ये वाली प्रॉपर्टी हम पॉइंट पी यहाँ पे ओरिजिन लेके अप्लाई कर देंगे. तो अगर ये वाला पॉइंट ए था, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट डी है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ओ ए इंटू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ डी, और इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग सी वन अपॉन ए वन इंटू सी टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन बी वन इंटू सी टू अपॉन बी टू. ये कंडीशन आ जाएगी. अच्छा, सी वन सी टू तो कैंसिल ही हो गया, तो कंडीशन क्या आ गई, ए वन ए टू इक्वल्स टू बी वन. क्वेश्चन नंबर फाइव, द सर्कल्स बाइसेक द सर्कमफेरेंस, देन द सर्कल बाइसेक द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. क्वेश्चन नंबर फाइव, एक सर्कल है, फर्स्ट वाला सर्कल, और तो सर्कल कॉमन का डायमीटर होगा. हाँ, ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड है, बिकॉज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो बाइसेक्ट हो रहा है. तो ये जो अभी मैंने डायग्राम थोड़ा प्रॉपर नहीं है, बट ये जो सर्कमफेरेंस है सिंस बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये कॉमन कॉर्ड विल बी डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल. तो हम s1 minus s2 equal to 0 फाइंड कर लेंगे, एंड दिस लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल व्हिच इज गिवन एज minus a minus b, पास करा देंगे तो कोफिशिएंट्स में रिलेशन आ जाएगा. ठीक है, सो कैन यू एक्सप्लेन, यहाँ पे इस तरह से टू सर्कल्स हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सर्कल इज बाइसेक्टिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल. एक सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट हो रही है, तो अगर मान लो वो इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाले हैं जिससे कि सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट हो जाए, तो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो दिस लाइन विल बी डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो हमने यही किया कि सिंस इस वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट हो रही है, तो इनकी जो ये कॉमन कॉर्ड है जो हम एस वन माइनस एस टू से फाइंड कर सकते हैं, दिस लाइन विल बी डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, और डायमीटर का मतलब सेंटर से पास करने वाली लाइन, तो हमने इसको सेकेंड सर्कल के सेंटर से पास करा दिया, बिकॉज सेकेंड सर्कल का सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट हो रहा था. Question number 6. Three equal circles of radius r touch each other. The radius of circle which touching all the three given circles internally. ऐसे कोई सर्कल है थ्री, और इन तीनों को इंटरनली टच करने वाला जो सर्कल है वो कुछ ऐसे बनेगा. और हमें इस ब्लैक वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, और ये जो पॉइंट है इसका कुछ सेंटर हो जाएगा कहीं, बिकॉज गिवन थ्री सर्कल्स ईच इज ऑफ रेडियस आर. तो इन दिस डायग्राम ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंटर है, ये सेंटर होगा या सर्कम सेंटर बोल दो,
सेंट्रॉइड बोल दो, ऑर्थोसेंटर बोल दो, सारा कुछ सेम ही होगा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा जो मैंने बीच में ब्लैक में मार्क कर रखा है। तो अगर अपन इस डायग्राम को अलग से बना लें, तो अपन बोल रहे हैं कि इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना लिया, और इस पॉइंट की कोई से भी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस फाइंड करनी है। सिंस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो मान लो वर्टिसेस का नाम PQR है, यानी कि जो ये सर्कल के सेंटर्स हैं, तो और ये C जो है वो ब्लैक वाले सर्कल का सेंटर है, तो CP cos 30 इज इक्वल टू R, दैट मींस CP इज इक्वल टू cos 30 कितना होता है, √3/2। तो CP डिस्टेंस 2R/√3 आ गया। अब हम ओरिजिनल डायग्राम में वापस से बात करें, तो हमने कहा कि हमने ये वाला डिस्टेंस तो फाइंड कर ही लिया, और ये डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस है, ये वाले पॉइंट को अपन ने P बोला हुआ है, तो कैपिटल R यानी कि इस सर्कल का रेडियस विल बी इक्वल टू R प्लस 2R/√3। क्वेश्चन नंबर 10 में, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू सर्कल, देन एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज, दोनों जो सर्कल्स की इक्वेशंस गिवन है, तो ये देख के समझ आ गया कि दोनों सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। फर्स्ट सर्कल जो है उससे हमने अगर कोई सा भी पॉइंट लिया और इससे सेकंड वाले सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की, यहां ले लेते हैं पॉइंट को और इससे टेंजेंट ड्रॉ की, इन टेंजेंट्स के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। अगर ये एंगल को थीटा बोल दिया तो हमारा आंसर 2θ हो जाएगा। अब जो इक्वेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग रेडियस 1 इज √g² + f² - c sin² alpha - g² + f² cos² alpha, और ये आ रहा है g² + f² - c sin alpha, और जो रेडियस 2 है यानी कि जो इस वाले का रेडियस 2 बोल रहा हूँ, इस वाले का रेडियस 1 बोल रहा हूँ, रेडियस 2 है वो है g² + f² - c, तो r1 जो है वो r2 sin alpha आ रहा है। Sir, can you show simplification steps for r1? ये तो as it is है, ये जो टर्म है, ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म, इन दोनों से हमने g² + f² कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में 1 - cos² alpha आया, ये c sin² alpha is as it is, 1 - cos² alpha is sin² alpha, तो this becomes g² + f² - sin² alpha - c, got it up? Understood. तो in this case r1 जो है वो r2 sin alpha के इक्वल आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अपन से इन दोनों के बीच में एंगल पूछा है, तो इसको उठा देता हूं मैं। अब मैं इसमें मान लो इस वाले पॉइंट को P बोल देता हूं, इस वाले पॉइंट को C और इस वाले पॉइंट को A, तो ये जो ट्राइंगल PAC है जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, CPA, इसमें AC डिस्टेंस तो R1 के इक्वल है एंड PC डिस्टेंस R2 के इक्वल है, और ये एंगल को हमने थीटा बोल रखा है, तो इस डायग्राम में R2 sin थीटा इज इक्वल टू R1 आ रहा है, तो यहां से sin थीटा का वैल्यू R1/R2 आ रहा है, और यहां से sin अल्फा का वैल्यू R1/R2 आ रहा है, तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा हो गया और आंसर विल बी 2θ, दैट इज 2α।
तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स इज 2 अल्फा. ठीक है. एक्सरसाइज 2(1)(b) में क्वेश्चन नंबर अप टू 20. वेल सर, अप टू 30. सो 21, 23, 24. क्वेश्चन नंबर 12 में the possible value of p for this line is tangent to this circle. 12 में हम condition of tangency p equal to r apply कर लेंगे. तो circle का जो circle given है that is x square plus y square minus 2qx cos alpha minus 2qy sin alpha equal to 0. Center is q cos alpha comma q sin alpha. Radius is root over q square cos square alpha plus q square sin square alpha, that is q square ka root. P equal to r. Line jo given hai, line is x cos alpha plus y sin alpha equals to p. तो सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी एक्स के प्लेस पे क्यू कॉस एल्फा. तो क्यू कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस क्यू साइन स्क्वायर एल्फा माइनस पी अपॉन रूट ओवर 1 इक्वल्स टू रेडियस. तो ये बन रहा है क्यू माइनस पी का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू. तो क्वेश्चन में पूछा गया है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी. तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू. तो p का एक आंसर तो जीरो आ रहा है और दूसरा आंसर 2q आ रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. अ रेक्टेंगल एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद डायमीटर अलोंग दिस लाइन. एक कोई भी सर्कल गिवन है उसमें कोई एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है और इसका डायमीटर जो है 3y इज इक्वल टू x प्लस 10 पे है. ठीक है. इफ a एंड b आर पॉइंट 6 माइनस 6 कॉमा 7 एंड 4 कॉमा 7 देन फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल के लिए क्वेश्चन ने हमें इसका डायमीटर बता रखा है और डायमीटर मान लो ऐसे कोई भी एक लाइन है वो कहीं से भी पास कर सकती है. तो हम अब क्या करेंगे कि जो ए बी है इनका मिड पॉइंट जो यहां पे कहीं होगा तो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लेंगे. इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. ये देखो लिख सकते हो इक्वेशन. हम पहले तो मिड पॉइंट एम फाइंड कर लेंगे. तो एम पॉइंट इज माइनस 4 प्लस 4 माइनस 6 यानी कि माइनस 2 यानी कि माइनस 1. तो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स माइनस 1 कॉमा 7 आ रहे हैं. स्लोप ऑफ ए बी इज 0. तो परपेंडिकुलर लाइन विल बी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप और वो इससे पास कर रही है. तो इक्वेशन विल बी x equals to minus 1. तो ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन x equal to minus 1 आ गई. अब तुम्हें डायग्राम को देख के थोड़ा डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाया मैंने. ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा दिस लाइन विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल. तो इसका मीनिंग कि इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी सेंटर ऑफ सर्कल. और आई थिंक अब आगे समझ आ जाना चाहिए. इसी से भी एरिया फाइंड कर सकते हो और अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो कि अब हमें पॉइंट ए पता है ये वाला पॉइंट पता है तो मिड पॉइंट यूज करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे.
ए बी डिस्टेंस आ जाएगा और बी सी डिस्टेंस आ जाएगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। Consider four circles, then equation of smaller circle touching those four circles is. Equation है. So why can't it be a bigger circle? क्वेश्चन है, स्मॉलर वर्ड यूज किया है ना? यस सर। सर और आपको कैसे पता चला कि ये सारे सर्कल्स टच कर रहे हैं? उसने तो लाइक बस स्मॉलर सर्कल के लिए बोला है ना। क्वेश्चन ने जो इक्वेशन दे रखी है ना, इक्वेशन से ही बनाए। इक्वेशन में क्वेश्चन है सेंटर्स को प्लस माइनस वन कॉमा प्लस माइनस वन और रेडियस को वन बोला हुआ है सारे सारे सर्कल्स का। अगर हम इसको x एक्स में मार्क करेंगे तो 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इस तरह से चार सेंटर्स आ जाएंगे और इन सर्कल्स का जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, तो फर्स्ट सर्कल इस तरह से कुछ बनेगा। यस सर, इस तरह से चारों सर्कल्स बन जाएंगे। हमें क्या चाहिए, इसका सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। कौन सा क्वेश्चन था? 23 में देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। तो अभी जैसे इस डायग्राम की अपन बात कर ले, जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से ये फोर सर्कल्स हैं और जो स्मॉलर सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। तो सिमेट्री को देख के ही समझ आ गया होगा कि सेंटर विल बी एट ओरिजिन, तो रिक्वायर्ड सेंटर विल बी 0, 0। अब बस रेडियस फाइंड करना बचा, और रेडियस फाइंड करने के लिए सिंस ये एक स्क्वायर है, और ये वन है, तो ये कंप्लीट टू यूनिट है। वैसे उस टू का कोई यूज नहीं है। इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रूट टू समझ आ गया होगा, बिकॉज दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब जो रूट टू डिस्टेंस हमने बोला है, उस डिस्टेंस में भी हमें ओनली ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अगर ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस को हटा दें, एंड जो येलो कलर में मैंने मार्क किया है, दिस डिस्टेंस इज 1 यूनिट, बिकॉज ये इस सर्कल का रेडियस है। तो स्मॉल आर जो है वो रूट टू माइनस वन हो जाएगा, यानी कि जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस रूट टू माइनस वन हो जाएगा। क्लियर है क्या? ट्वेंटी फोर में इन अ सिस्टम ऑफ थ्री कर्व C1, C2, C3, C1 इज अ सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस, C2 is the locus of the point of intersection of the orthogonal tangents drawn to C1. That means C2 is director circle of C1. Orthogonal word का मतलब perpendicular, and perpendicular tangent के point of intersection का locus is by definition director circle. C3 is the locus of point of intersection of perpendicular tangents drawn on C2. तो C3 जो है वो C2 का भी director circle हो गया। The area enclosed between the curves C2 and C3 is. Question number 24 ने एक C1 सर्कल बोला। इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल कंसेंट्रिक होगा, जिसका रेडियस C1 के रेडियस का रूट टू टाइम्स हो जाएगा, और फिर इसका भी डायरेक्टर सर्कल की क्वेश्चन बात कर रहा है। अगर फर्स्ट सर्कल का रेडियस को हम अभी R बोल देते हैं, तो सेकेंड सर्कल का रेडियस इज रूट टू आर, एंड थर्ड सर्कल का रेडियस इज 2R, रूट टू का भी 2 टाइम्स, तो 2R हो जाएगा। एंड क्वेश्चन अपन से ये वाला एरिया पूछ रहा है, तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर माइनस
pi into root 2 r का whole square, that is 4 minus 2, 2 pi r square, और r क्या है, first वाले circle का radius, which is given as 2 unit, तो orthogonal word या perpendicular word, दोनों same ही है, and locus of intersection point of perpendicular tangents is called director circle. Question number 30. The circle this is midway between two circles. Midway का मतलब जैसे अच्छा ये दोनों circles भी ये तीनों circles ही concentric circles given है. तो question ने इस circle का equation properly बता रखा है, इस circle का equation properly बता रखा है, और जो middle वाला circle है इसकी इक्वेशन में कुछ के इंक्लूड कर रखा है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और इंफॉर्मेशन बोला है कि दिस सर्कल इज मिड वे. इसका मतलब कि अगर फर्स्ट सर्कल का रेडियस आर वन है, सेकंड वाले का रेडियस आर टू है एंड थर्ड वाले का रेडियस आर थ्री है तो आर वन प्लस आर थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू आर. इस इंफॉर्मेशन इस कंडीशन को अप्लाई करके के का वैल्यू आ जाएगा. सर तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आर वन इज इक्वल टू आर थ्री. नहीं, R1 and R3 are given numbers. Let's say R1 is 5 unit and R3 is 8 unit. तो फिर R2 का वैल्यू अकॉर्डिंगली आ जाएगा जो भी है. R1 and R3 तो given है ना, because मैंने कहा कि first and third circle की equations तो properly बता रखी हैं. Second circle में K को include कर रखा है. Question number आगे up to 40. Up to 43. Sir, 33, 34, 43. 33 में, a circle C1 of unit radius lies in first quadrant, touches both the coordinate axes. Radius of the circle which touches both the coordinate axes and cuts C1 so that common chord is longest. ये C1 है, first वाला circle. और सेंटर 1 2 1 है. हां रेडियस भी 1 है तो इक्वेशन ये हो गई. ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सेकंड सर्कल और है और वो डायग्राम में थोड़ा इधर बना देता हूं. ये फर्स्ट वाला सर्कल है, एक सेकंड सर्कल है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन और इस सर्कल को कट कर रहा है और इस तरह से कट कर रहा है कि इसका जो कॉमन कार्ड वो लार्जेस्ट है, कॉर्ड लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट वो डायमीटर से पास करेगा. यानी कि हम सेकंड वाले सर्कल की रेडियस को आर मान लें तो सेकंड सर्कल की इक्वेशन एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगी. समझ आ गया, क्योंकि ये सर्कल दोनों सर्कल्स दोनों एक्सिस को टच कर रहा है. इस तरह से कुछ डायग्राम बन जाएगा. ठीक है, अब ये जो लाइन है ये लाइन फर्स्ट सर्कल का डायमीटर है एंड दोनों की कॉमन कॉर्ड है तो इन दोनों की कॉमन कॉर्ड हम पहले फाइंड कर लेंगे जो S1 minus S2 equal to 0 से आ जाएगी एंड दिस लाइन इज डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल. वन कॉमा वन से पास करेंगे तो आर का वैल्यू मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 34. फ्रॉम पॉइंट पी टेंजेंट इज ड्रॉन टू सर्कल एंड अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू दिस. ओके, इफ दीज टेंजेंट आर परपेंडिकुलर देन लोकस ऑफ पी इज. एक पॉइंट से दो सर्कल्स पे टेंजेंट ड्रॉ किए एंड दीज टू टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर देन लोकस ऑफ पी इज. कैलकुलेशन लेंदी हो गया, ऐसे कोई डायग्राम है कि अगर हमने एक टेंजेंट तो मान लो फर्स्ट सर्कल पे ड्रॉ कर रखी है
सेकंड टेंजेंट इस तरह से है एंड ये फर्स्ट सर्कल के परपेंडिकुलर है और हमें इस पॉइंट P का लोकस करना है, ठीक है। लेंथी कैलकुलेशन लग रही है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो देखता हूँ कुछ शॉर्ट मेथड समझ आता है तो, पर अभी मुझे मेथड समझ आ रहा है वो क्या है कि फर्स्ट सर्कल जिसका इक्वेशन क्वेश्चन ने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर दे रखा है, इस सर्कल पे जो टेंजेंट है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a a इक्वल टू 0 या इक्वल टू a हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट सर्कल की टेंजेंट है। t2 जो सेकंड सर्कल की टेंजेंट है जो इसके परपेंडिकुलर है तो उसकी इक्वेशन x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल्स टू b हो जाएगी। ये लाइन t2 लाइन है टेंजेंट 2 एंड दिस लाइन इज टेंजेंट 1। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा, अच्छा हो गया ना सिंपल, ठीक है, नहीं है कैलकुलेशन इसमें लेंदी। देखो प्रॉपर तो मैं जो बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन वाइज क्या करना चाहिए था जिससे लेंदी हो जाती, कि हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना चाहिए, वो कुछ इन टर्म्स ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट को हम अब एच कॉमा के इक्वल रखेंगे, तो एच इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड के इन टर्म्स ऑफ थीटा, और इन दोनों से हम थीटा को एलिमिनेट करके एच के में रिलेशन फाइंड करेंगे, वहां से लोकस आ जाएगा। ये तो है प्रॉपर मेथड, बट इस देखो ऐसी सिचुएशन कई बार बन जाती है कि जब अपन को सॉल्व करें फिर उनको एलिमिनेट करें और फिर लोकस फाइंड करें, इस तरह की सिचुएशन को अपन सिंपल कैसे कर सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एच कॉमा के है, तो एच कॉमा के इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स एच कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा इक्वल्स टू ए एंड एच साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा इक्वल्स टू बी, और हमें एच के में रिलेशन चाहिए और थीटा को एलिमिनेट करना है। तो बजाय अलग अलग सॉल्व करें और फिर थीटा को एलिमिनेट करें, हम डायरेक्टली ही यहां से थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं, जो सॉल्व करने वाली कैलकुलेशन है वो स्किप कर सकते हैं। और बताना इन दिस केस थीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या स्टेप लें, दोनों को स्क्वायर करें और ऐड कर दें, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, विल गेट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सीधे लोकस आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर फाइंड करने वाली जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी बेकार होती, बिकॉज नंबर्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो वो हमने स्किप कर दी, वो करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आई। सो कैन यू डू 37 आल्सो, 37 एंड 43 एंड 42, 37 में If a cos theta, a sin theta represent vertices of equilateral triangle in a circle, then अगर अच्छा equilateral triangle बोल रखा है, okay। देखो a cos थीटा i कॉमा a sin थीटा i, ये वाला पॉइंट सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर पे लाई कर रहा है। i का वैल्यू चाहे 1 रख लो चाहे 2 रख लो चाहे 3 रख लो, यानी कि a b एंड c ये तीनों ही पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ये जो सर्कल है सिंस वर्टिसेस इस पे लाई कर रहे हैं, तो दिस सर्कल इज नाउ सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्राइंगल, और सर्कम सर्कल का सेंटर इज सर्कम सेंटर which is 0,0 and for equilateral triangle circumcenter बोला जाए या centroid बोला जाए same ही बात होगी। इस triangle का centroid क्या होगा, वो होगा a cos theta 1 plus a cos theta 2 plus a cos theta 3 upon 3, ऐसे y coordinate, और ये 0,0 है because circumcenter पे lie करेगा, तो that means cos theta 1 cos theta 2 cos theta 3 का summation भी 0 हो जाएगा, as well as y coordinate से
साइन वाला समेशन भी जीरो हो जाएगा, ट्राइंगल इक्विलेटरल है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 42 में अ सर्कल विद सेंटर ए रेडियस 7, टेंजेंट टू साइड्स ऑफ, ठीक है, लार्जर सर्कल, ठीक है, द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज, सिंस दीज टू सर्कल्स आर कंप्लीटली सिमेट्रिक अबाउट दीज टू लाइन्स जो रेड में मैंने बना रखी हैं, तो इसका मीनिंग कि अगर हम इन दोनों सर्कल्स के सेंटर से पास करने वाली लाइन बनाएंगे तो वो लाइन गिवन दोनों रेड लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी, कंप्लीटली सिमेट्रिक है इस वजह से, और गिवन एंगल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब अपन को क्या चीज बता रखी है क्वेश्चन है कि फर्स्ट सर्कल का रेडियस 7 यूनिट है, तो सेकंड सर्कल का रेडियस, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ए बी डिस्टेंस इज आर वन प्लस आर टू, इन दोनों का रेडियस में आर वन आर टू बोल रहा हूँ, तो ए बी डिस्टेंस इज आर वन प्लस आर टू एंड बी सी डिस्टेंस इज आर टू माइनस आर वन एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर टू प्लस आर वन, आर वन 11 गिवन है, गेट आर टू, नहीं आर वन 7 गिवन है, टू सर्कल्स आर हैविंग सेंटर्स एट ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो एंड रेडियाई बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स लाई ऑन, देन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल, मतलब कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, अच्छा ठीक है, कोई भी दो सर्कल ऐसे होंगे, चलो बी और सी मैटर नहीं करता, लेकिन इन दोनों की जो कॉमन टेंजेंट है ये वाला मेथड, तो अगर अपन लगाएंगे तो लेंथी हो जाएगा, अगर अपन डायरेक्टली इन दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट फाइंड करें और फिर उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करें तो आ तो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बट कैलकुलेशन वाइज बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इन दिस केस रेडियस सेंटर इस तरह से है, समझ आ रहा है क्या? इन दिस केस, एक मिनट होल्ड करना,
जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसको अपने एच कॉमा के ले लिया। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे कोई से भी एक सर्कल पे, देखते हैं। पता नहीं कैलकुलेशन मुझे तो लेंदी लग रही है, बट अगर कुछ सिंपल होगा ऑटोमेटिकली देख लेंगे। अपने पास इस तरह की सिचुएशन है कि क्वेश्चन है फर्स्ट सर्कल तो किस सर्कल का मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को एच कॉमा के लेना है। नहीं, वो एक्चुअली जो लोकस आएगा वो कुछ, जैसे मान लो कोई भी कर्व आ गया तो वो इस तरह से करवा जाएगा कि वो दोनों से ही पास करेगा। ओके सर, तो किसी को भी ले सकते हैं। किसी को भी ले सकते हैं। तो ये दो इक्वेशंस गिवन है, तो हमने मान लिया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एच कॉमा के है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो हमने कोई से भी एक सर्कल पे लाई करा दिया, मान लो फर्स्ट वाले पे लाई करा दिया। तो एक तो एच माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होल्ड करेगा, ठीक है। अब इस सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो से आ जाएगी। सर पर आपको कैसे पता चला कि दोनों से पास करेगा वो? क्योंकि कंडीशन सेम लगाएंगे अपन। अभी मैं एक बार सॉल्व करता हूँ तो आगे समझ आना आ जाएगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है। टी इक्वल टू जीरो और फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन अगर अपन ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाएगा एच एक्स प्लस के वाई माइनस टू ए, नहीं टी इक्वल टू जीरो में ए टाइम्स एक्स प्लस एच प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये तो हमने अभी तक ओनली फर्स्ट सर्कल पे टेंजेंट बनाई है, सिंस ये सेकेंड सर्कल पे भी टेंजेंट है तो हम सेकेंड सर्कल से पी इक्वल टू आर लगा देंगे। तो सेकेंड सर्कल का सेंटर है माइनस ए कॉमा जीरो, तो दिस इज एच की जगह तो माइनस ए और वाई की जगह जीरो, सॉरी एक्स की जगह माइनस ए, हाँ एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए कॉमा जीरो ही ले, क्यों ले रहे सर? ए कॉमा जीरो भी यूज़ कर सकते हैं ना? नहीं, ए कॉमा जीरो तो ऑलरेडी यूज़ कर लिया ना हमने फर्स्ट सर्कल पे, तो टेंजेंट टी इक्वल टू जीरो से ही बना दी। ओके सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ रहा है इन दिस केस एच माइनस ए और के, ये तो है पी इक्वल टू रेडियस, ठीक है। तो ये कुछ माइनस ए एच माइनस ए एच टू ए एच बन रहा, कैंसिल भी नहीं हो रहा, ए स्क्वायर भी ऐड हो रहा है। चलो तो ये बन रहा है माइनस का टू ए एच प्लस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर जो भी है, वैल्यू आ गई। अब चलो एक बार देखते हैं, पता नहीं आंसर आएगा नहीं आएगा बाकी बात है, लेकिन अभी तक जो मैंने किया है वो एक बार देखना स्टेप समझ आ रही है क्या। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को हटाता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन है अपने पास कि दो सर्कल्स गिवन है, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे ये वाला सेंटर ए कॉमा जीरो है, ये माइनस ए कॉमा जीरो है, इसका रेडियस सी इसका रेडियस बी है, ये टेंजेंट है कॉमन टेंजेंट, और हमें कोई से भी एक पॉइंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का लोकस फाइंड करना है। तो हमने इसको एच कॉमा के एज्यूम कर लिया। फर्स्ट थिंग कि ये जो एच कॉमा के है ये इस सर्कल पे लाई करेगा, यानी कि इस सर्कल पे लाई करेगा, तो हमने इस सर्कल पे लाई करा दिया। तो यहां तक की बात समझ आ गई होगी। सेकेंड कि पॉइंट एच कॉमा के सिंस इस वाले सर्कल पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t equal to zero से find कर लेंगे। तो यहां तक की बात समझ आ गई होगी। Next, this line is also tangent to second circle. तो second circle पे tangent की condition p equals to r apply की है। तो ये mathematically check कर लेना, कोई plus minus का mistake ना हो, but ये वाली condition हमने p equal to r से लिखी है, जिसका जो denominator है h minus a whole square plus k square, ये denominator exactly यही बन रहा है जिसको हमने बी स्क्वायर से रिप्लेस किया, तो फिर
इस स्टेप को ये वाला स्टेप जो है ये तो ओनली न्यूमरेटर को सिंपलीफाई किया है और इसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। तो यहां तक देखना क्लियर है क्या? यस और नो? सर एक और बार रिपीट करेंगे। मैंने इसीलिए लाइंस ड्रॉ की थी। तो जैसे हमने जो फर्स्ट बोला था ये कि जो पॉइंट एच कॉमा के है ये फर्स्ट वाले सर्कल पे लाए कर रहा, तो ओनली उसको सेटिस्फाई कराया है एच कॉमा के फर्स्ट वाले सर्कल पे लाए कर रहा है। फिर ये एच कॉमा से के सिंस ऑन फर्स्ट सर्कल है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए टेंजेंट का इक्वेशन हम टी इक्वल टू जीरो से बना लिख सकते हैं। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमने टी इक्वल टू जीरो अप्लाई किया है फर्स्ट वाले सर्कल पे। ये फर्स्ट सर्कल है तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स एक्स वन यानी कि एच एक्स, वाई वाई वन इन दिस केस के वाई, टू ए एक्स के प्लेस पे ए टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन और कॉन्स्टेंट को एज इट इज छोड़ दिया। तो अभी तक ये लाइन ओनली फर्स्ट सर्कल पे टेंजेंट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कॉमन टेंजेंट है, दैट मीन्स सेकेंड सर्कल पे भी टेंजेंट है। तो इसी लाइन को सेकेंड सर्कल पे टेंजेंट बनाने के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी P इक्वल टू R, वो क्या होती है? सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस। तो हमने ये जो लिखा है मॉड के अंदर ये तो P लिखा है, जो मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आता है इक्वल टू रेडियस। सेकेंड वाले सर्कल का जो रेडियस है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी यूनिट है। इसको बस सिंप्लीफाई किया, अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। तो ये आ रहा है टू ए एच माइनस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ah minus 2a square plus b square is equal to इसका whole square is equal to b into c, तो यानी कि ये number is equal to plus minus b into c। तो 2ah का जो value है वो 2a square minus b square plus minus b into c आ गया। और जो equation number one last page पे अपने लिख रखी है, equation number one last page पे ये है एच माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो एच माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू ए एच प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन किया और ये जो टू ए एच है बस इसको रिप्लेस करेंगे तो दिस बिकम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। टू ए एच के प्लेस पे टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी इंटू सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब क्या कुछ कैंसिल हुआ क्या? बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बन गया एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस बी सी। ये लोकस का आंसर आ रहा है, देखना ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन ए लिखा हुआ है ना, देखना ऑप्शन ए ही आंसर है क्या? अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो ऑप्शन ए आंसर होगा, एक बार चेक कर लो ऑप्शन, अदरवाइज कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, वो मैंने क्योंकि अभी ऐसे सॉल्व किया। चेक किया क्या? इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड अगर किसी और को कुछ समझ रहा है तो बताओ। ऑल्दो ये मेथड वैसे मतलब इसमें कैलकुलेशन लेंथी है थोड़ी सी, लेकिन वैसी कैलकुलेशन है जो इरिटेट करे कैलकुलेशन, क्योंकि मेन जो ये वाला टर्म था ना मुझे इसी का डाउट था, लेकिन ये वाला जो टर्म है ये इस कंडीशन से सिंपल बन गया। वरना रूट वाली एक्सप्रेशन जनरली कैलकुलेशन में परेशानी करते हैं। ठीक है आगे एक्सरसाइज वन बी तक और कोई डाउट पूछना है किसी को? विंडो टू जेई मेन बोलो डाउट्स। 18, 12, 16, 19 and 20 सर। 8, 12, 16 क्वेश्चन नंबर 8। अ वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट पी कॉमा क्यू टचेस एक्स एक्सिस द लोकस ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ थ्रू ए। ये एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इस सर्कल का रेडियस अपन अगर भी आर ले लेते हैं
तो इस सर्कल का जो सेंटर है उसका वाई कोऑर्डिनेट आर हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये डिस्टेंस आर है, तो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस आर है, तो इस सर्कल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट आर हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ये इंफॉर्मेशन है कि ये सर्कल पी कॉमा क्यू से तो पास कर रहा है और हमें एच कॉमा के का लोकस फाइंड करना है, तो सिंस ये डायमीटर है तो सेंटर जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, दैट इज पी प्लस एच अपॉन टू कॉमा क्यू प्लस के अपॉन टू, और क्यू प्लस के अपॉन टू जो है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, कि ए बी डिस्टेंस इज डबल ऑफ रेडियस, दैट इज पी माइनस एच होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू टू टाइम्स डबल ऑफ रेडियस, तो यहाँ पे क्यू प्लस के आ जाएगा, स्क्वायरिंग बाई टू में टू भी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर लेंगे लोकस आ जाएगा। समझ आ गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 में अ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस आल्सो टचेस सर्कल विद सेंटर 0.3 एंड रेडियस 2, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज। देखो इस वाले क्वेश्चन में तो अभी पैराबोला आंसर आएगा, ये पैराबोला की प्रॉपर्टी है और मैथमेटिकली भी मतलब अब जैसे पैराबोला की इक्वेशन तुम लोगों को पता नहीं है, बट ये है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड y स्क्वायर इक्वल टू 4x होती है, और जब पैराबोला पढ़ लोगे तो इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली भी सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैराबोला की जो प्रॉपर्टी है वो होती है पी एस इक्वल टू पी एम। इसका मीनिंग क्या है कि हमें पॉइंट पी का लोकस चाहिए, पी का लोकस एक पैराबोला होगा प्रोवाइडेड इस पॉइंट पी की एक फिक्स्ड पॉइंट एस से डिस्टेंस इज इक्वल टू जो पी एम डिस्टेंस है, यह है डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। तो एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो एक वेरिएबल पॉइंट पी का लोकस एक पैराबोला बन जाएगा इफ पी एस इज इक्वल टू पी एम। तो फिक्स पॉइंट का नाम एस है और इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम है। अब इस वाले क्वेश्चन में ये चीज होल्ड कर रही है, कैसे होल्ड कर रही है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन ने बोला कि अ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस एक फिक्स लाइन है और एक वेरिएबल सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ऑल्सो टचेस द सर्कल विद सेंटर 0.3 एंड रेडियस 2। एक सर्कल है जिसका सेंटर फिक्स कर रखा है और रेडियस फिक्स कर रखी है, तो वो भी एक फिक्स सर्कल हो गया, तो और वो सर्कल इस वेरिएबल सर्कल को टच कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये वाला पॉइंट मैं अभी एस बोल रहा हूं जो सेंटर है और ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इसका रेडियस 2 यूनिट क्वेश्चन ने बोल रखा है। हमें वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस फाइंड करना है, तो उस सेंटर को मैंने पी बोल दिया जिसका लोकस चाहिए। सिंस एक्स एक्सिस इज अ फिक्स्ड लाइन, तो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस में जो लाइन होगी जिसकी इक्वेशन वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 होगी, ये भी एक फिक्स्ड लाइन होगी। अब हम इस पॉइंट पी पे कंडीशन देखें, तो पॉइंट पी और अगर हम इस वेरिएबल सर्कल की रेड, इसको मैं कैपिटल आर बोल रहा हूँ, कैपिटल आर एक फिक्स नंबर है, अगर वेरिएबल सर्कल की रेडियस को हम स्मॉल आर बोल दें, तो सिंस मैं वेरिएबल सर्कल बोल रहा हूँ स्मॉल आर एक वेरिएबल नंबर है। पी एस डिस्टेंस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितना हो गया, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, समझ आ रहा होगा। और पी एम डिस्टेंस ये भी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस से आर यूनिट डिस्टेंस पे दूसरी लाइन ली थी, इन दिस केस आर टू है, तो पी एस इक्वल टू पी एम होल्ड कर रहा है, तो पॉइंट पी का लोकस एक पैराबोला आ जाएगा। ये पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे पॉइंट पी की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इज इक्वल टू पॉइंट पी की एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस। जो फिक्स पॉइंट होता है, जो इन दिस केस सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल है, इसको हम पैराबोला का फोकस बोलते हैं, और जो फिक्स लाइन होती है उसे हम पैराबोला का
डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो ये अपन अभी नेक्स्ट क्लास में, ये सबसे पहले ये चीज आ जाएगी कॉनिक सेक्शन में। और ये तो है, हमने अभी क्योंकि मैंने तुमने पैराबोला फर्स्ट टाइम पढ़ा है, मतलब मैंने बताया तो थोड़ा सा टाइम लिया है, अदरवाइज अगर पता होता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। और सेकंड थिंग कि अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं भी पता है तो हमने जो ये डायग्राम बनाया है इससे हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर लेंगे, तो जो इक्वेशन आएगी वो पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, 19, 20 एक बार मैं इसको सेव करके, सर इन क्वेश्चन नंबर 43 डज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हैव एनी यूज। क्वेश्चन नंबर 43 ऑफ व्हिच एक्सरसाइज, आई थिंक एक्सरसाइज सर वही अभी एक्सरसाइज जो किया था पाइथागोरस थ्योरम का यूज उस डायग्राम में, क्योंकि सर मतलब वो एक रेक्टेंगल के ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है ना, नहीं उस केस में जो दोनों सर्कल्स थे वो सेपरेटेड सर्कल्स हैं, ठीक है, और ये इनको ज्वाइन करने वाली सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई और ये कॉमन टेंजेंट हो गई। तो इन दिस केस यहाँ राइट एंगल, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल हो सकता है सी ब्रेथ का और लेंथ ए का, और उसके ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है जिसका हाइपोटेनियस 2a है, क्योंकि वो अपोजिट वो ए और माइनस ए है ना उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स। एक मिनट, अगर हम ए और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोल लें, पी और क्यू सेंटर्स बोल लें, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, रेक्टेंगल तो नहीं बनेगा लेकिन पैरेललोग्राम बन जाएगा। नहीं सर मैं बोल रहा था पी एक परपेंडिकुलर बी क्यू से खींचो जो पी से कॉन्टेक्ट करे, बी क्यू से परपेंडिकुलर ऑन पी, पी तो फिर ए पी और वो जो परपेंडिकुलर का पॉइंट है वो और बी एक रेक्टेंगल बन गए ना, और क्यू पी और जहाँ वो डी है तो डी पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और ए बी डी पी एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, लेकिन इसका लोकस फाइंड करने में यूज कैसे आ सकता है? तो फिर नहीं हमें मतलब उसमें दिया था कि ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, तो मुझे लगा पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, अब वरना फिर वो देते नहीं ना, तो फिर हमें ए बी और सी का एक रिलेशन मिल जाएगा। नहीं पॉइंट इज मेन कि हमें तो इस वाले पॉइंट का लोकस चाहिए, इस पॉइंट का हम इस ट्रायंगल के डिस्टेंसेस में, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में डिस्टेंस का यूज होता है, इसमें यूज नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इन चलो ठीक है ये जो डिस्टेंस होगी ना PD डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो इसमें दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस और दोनों रेडियस का यूज होता है ओनली। PQ डिस्टेंस इन दिस केस 2a है, तो यहां भी मतलब पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स का यूज नहीं हो रहा, और क्वेश्चन है अपन को इन कोऑर्डिनेट्स का लोकस फाइंड करने को बोला है सर, पर ओके मतलब ये जो अपन मैथमेटिकली लिख रहे हैं सारी बात है तो सही, लेकिन इससे कि क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प नहीं मिल रही, पॉइंट ये लग रहा है मुझे, और मतलब हो सकता है हो, पर अभी तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ रिलेशन बैठ नहीं रहा कि इस कोऑर्डिनेट का और इस ट्रायंगल का कोई रिलेशन आ जाए, अगर जिस किसी को समझ आता है तो बताना, बट हाँ ये ठीक है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और इसमें अपन को ये डिस्टेंस भी पता है, ये डिस्टेंस भी पता है और ये डिस्टेंस भी पता है, तो इनमें रिलेशन तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर तो वो अगर तुम वो रिलेशन लिखोगे ना तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, जो तो अपन को वैसे ही पता है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ विंडो 2 जेई मेन, कंसीडर फैमिली ऑफ सर्कल्स व्हिच पास व्हिच आर पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 1 and tangent to x-axis if hk coordinates of the center of the circle then set of values of k is jane bola ki ek family circle passing through -1, 1 and tangent to x-axis hai x-axis agar humne is circle ke radius ko r le liya to is circle ka
जो सेंटर होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट आर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस वन कॉमा वन से पास कर रहा है तो सर्कल इज एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये माइनस वन कॉमा वन से पास कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एच कॉमा के कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के इज गिवन बाय, तो इन दिस केस ओपन करेंगे, ओपन करने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है, इसको ये तो है वन प्लस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वन माइनस टू आर इक्वल टू जीरो, तो आर का वैल्यू वन प्लस एल्फा होल स्क्वायर अपॉन टू आ गया और एल्फा बिलोंग्स टू आर है तो वन प्लस एल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, इसका होल स्क्वायर भी वन से बड़ा, तो इस तरह से रेंज आ जाएगी, एल्फा एक रियल नंबर है, ठीक है। तो आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन बाई टू आ रहा है बिकॉज दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये नंबर हाफ या हाफ से ग्रेटर आ जाएगा, और हमने जो आर बोला है वो ही के बोल रखा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन है सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट स्मॉल के बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में इफ टू सर्कल्स दिस एंड दिस टच ईच अदर सी इज पॉजिटिव, देखो फर्स्ट बाय ऑब्जर्वेशन फर्स्ट सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है और सेकंड सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, तो ये दो सेंटर सर्कल के अंदर लाई करता है, तो अगर ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ओनली पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे, ऐसे कोई डायग्राम बनेगा, और C1 C2 is equal to mod of R1 minus R2 अप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 20 में तो यहां पे बस ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि जो सेंटर है सेकंड सर्कल का वो फर्स्ट सर्कल पे लाई कर रहा है, तो जो सर्कल्स होंगे वो एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 the length of diameter of circle which touches x axis at point 1, 0 and passes through point 2, 3, to teen information de to rakhi hai 20 mein 2, 3 se pass kar raha hai 1, 0 se pass kar raha hai and x axis ko touch kar raha hai to circle aa jayega to gfc matlab gfc mein teen equations maan lenge to gfc aa jayenge to radius aa jayegi। okay sir matlab yahan pe kya galti hua tha ki maine radius ko mark kar diya tha sir 2 se multiply nahi kiya। acha तो अभी अपन ने एक्सरसाइज 1 और विंडो टू जेईई मेन कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज 2 और रिमेनिंग डाउट्स, कितने लोगों ने अभी एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर रखा है? सेवन ने किया है। चलो अभी अगेन क्योंकि ओनली तुम्हारे डाउट्स हैं तो एक्सरसाइज 2 के डाउट्स जो है वो ग्रुप पे भेज देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, और जो पहले मैंने स्ट्रेट लाइन के सॉल्यूशंस भेजे थे वो समझ आ गए क्या? यस सर। ठीक है, किसी और को भी डाउट्स अगर हैं एक्सरसाइज 2 में या एडवांस वाले में पार्ट में तो क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना ग्रुप पे, ठीक है। आज के लिए अपन यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या है कैसे है, मतलब नेक्स्ट क्लास जैसे भी होगी अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा उस क्लास में। ओके चलो बाय।